नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा टू फोर सेवन में और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज सिक्स ऑफ मार्च का दोस्त यार बारिश बहुत तेज पड़ रही है इस वजह से सेशन सात पंद्रह किया और उसके बाद भी भाई थोड़ा और डिले हुआ क्योंकि भाई बारिश का समझते हो ना दिक्कत हो जाती है कभी कभी ने में तो उस वजह से यार थोड़ा लेट हो गए माफ करिएगा उसके लिए बट कंटिन्यू रखेंगे आराम से पढ़ेंगे मोहब्बत से पढ़ेंगे आराम से सेशन पूरा कंप्लीट किया जाएगा एक चीज़ का डिटेल में डिस्कशन रहेगा बट गया प्लीज 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 यार फटाफट से जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करना, करना स्टार्ट कर दीजिए ठीक है अब बढ़ते हैं सबसे पहले आज की मोटिवेशनल कोट के साथ बड़ा शानदार लिखा है नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट जस्ट बिकॉज सम डोंट डज नॉट गिव यू क्रेडिट अक्सर क्या होता है ना यार देखिए ह्यूमन टेंडेंसी यार हर कोई चाहता है कि अगर मैं बेहतर कर रहा हूँ तो एप्रिसिएशन रिक्वायर्ड है चाहे जिंदगी में हो चाहे घर में हो चाहे दोस्ती में हो चाहे कहीं भी हो मेरे भाई हर कहीं चाहता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ ना तो मुझे कहीं ना कहीं कंसिडरेशन मिले बट समाइम नहीं होता है, तो कभी दिमाग में अने लगता नहीं यार चले ठीक है अब जाने दो छोड़ दीजिए ना ना मेरे दोस्त बिल्कुल ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना अपने को आपको बदलने की जरूरत नहीं है अपनी जो एक आइडेंटिटी है ना वो आपका बेहतर करना ही है हमेशा बेहतर के प्रयास में रहिए हमेशा बेहतर करते रहिए जो आज किया है आज से कल बेहतर करना है फिर परसों उससे बेहतर करना है करते रहिए कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे कैसे ना कैसे वक्त में मेरे दोस्त आपकी मेहनत का आपको क्रेडिट जरूर मिलेगा परेशान होने की जरूरत नहीं है बट समाइम क्या होता है ना होता है बट दोस्त हमेशा याद रखे बी पॉजिटिव आज कुछ भी आप मेहनत करें हो सकता है सिलेक्शन ना हो कल सिलेक्शन ना हो लेकिन ऐसा नहीं कहीं भी मेहनत काम नहीं आए कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मेरे भाई मेहनत जरूर काम आएगी आई होप सो जो देख रहे हैं समझ रहे होंगे ठीक है अब बढ़ते हैं आगे देखते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट जितने भी कह सकते हैं एक्सरसाइज है उनको देख लेते हैं सबसे पहले यहां पर डिस्कशन करेंगे मैं अगेन यहाँ पर कहूंगा कि यार इनको अभी मैं स्किप करूंगा जितने भी वेन्यू हैं यूएस के साथ इंडिया की तीन एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार और कोप इंडिया युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार और कोप इंडिया इंडिया की यूनाइटेड स्टेट के साथ, साथ होती हैं और जो फ्रांस उसके साथ शक्ति वरुण और गरुण ठीक है इस बात को आपको याद रखना है शक्ति वरुण और गरुण देखो युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार कोप इंडिया टाइगर ट्रंप ये इंडिया की यूनाइटेड स्टेट के साथ एक्सरसाइज है शक्ति वरुण और गरुण ये इंडिया की तीनों फ्रांस के साथ एक्सरसाइज है ठीक है अब जो हरिमाऊ शक्ति मलेशिया के साथ है देखो अगर शक्ति सिर्फ लिखा रहा है, अगर शक्ति लिखा रहा है तो इंडिया की ये किसके साथ है मलेशिया के साथ एक्सरसाइज है, है मलेशिया के साथ ही एक्सरसाइज है इतना याद रखना है ठीक है धर्म गार्जियन देखो मिलेक्स जो भी विमस्टेक कंट्री है आपस में जितनी भी है वो आपस में एक एक्सरसाइज करती है और ये एक्सरसाइज का नाम है लेक्स धर्म गार्जियन सिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन सिन्यू मैत्री जापान के साथ रही जापान के साथ एक और है सहयोग सहयोग काइजन सहयोग काइजन सहयोग काइजन भी इंडिया की जापान के साथ है ओमान के साथ है अल नागा ईस्टर्न ब्रिज अल नागा ईस्टर्न ब्रिज एक और अभी हुई थी नसीम अल बहर नसीम अल बहर नसीम ये एक्सरसाइज और आपको याद रखनी है ठीक है इतना करते हैं बाकी का कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यार ये स्कीम मैंने आपको बताई थी शुरू की चार अभी हम लोग पढ़ लेते पांच स्टेट पढ़ लेते यहां तक कर्नाटक की है जन सेवा योजना जनसेवा योजना कर्नाटक रहा वेस्ट बंगाल की है बंगश्री और चासुंदरी बंगश्री चासुंदरी और जो सुकन्या प्रोजेक्ट है ये कोलकाता पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है केरल राज्य की है विजय मृत और सहचरी विजयमृतम और सहचरी किसकी केरल राज्य की असम की अभिनंदन और अरुन्धति अभिनंदन अरुन्धति अपोनर अपोघर स्कीम ठीक है स्कीम हो गई और इसके अलावा याद रखना है नहीं मिलेगी। सुरक्षा एक सुरक्षा एक भी आपकी असम राज्य की है महाराष्ट्र की शिव भोजन योजना महाराष्ट्र की मेरे भाई शिव भोजन योजना फटाफट शायर इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेगा फटाफट फटाफट जितनी भी स्कीमे ना इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए एग्जाम के लिए मोस्ट 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 रेलिवेंट है ठीक है

वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी इसके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मलपास डेविड मलपास। ये जिस देश से आते उस देश का नाम है अमेरिका अमेरिका कुल मिलाकर इसकी जो मेंबर कंट्री है वो वन एट्टी नाइन है नोरू इसका लास्ट मेंबर है। नोरू इसका लास्ट है इतना इंपॉर्टेंट है 1944 में ये बना था, 1945 से इसने काम करना स्टार्ट किया है IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी इसका भी वन एट्टी नाइन कंट्री इसकी भी मेबर है और नॉरू इसका भी लास्ट मेंबर है इसकी जो है उनका नाम है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा एंड शी इज फ्रॉम बुलगेरिया बुल्गेरिया बुलगेरिया की कैपिटल सोफिया है करेंसी यहां पर लेव चलती है लेब यहां पर मुद्रा चलती है एडीबी का हेडक्वार्टर है मंडालू योंग मेट्रो मनीला फिलिपींस या याद रखना मनीला फिलिपींस इसका हेडक्वार्टर है अड़सठ देश इसके सदस्य हैं जो अड़सठवा इसका और ये जापान से आते हैं। जापान से ए आई बी का हेडक्वार्टर है बीजिंग में बीजिंग में और एक और चीज याद रखना है इसके जो है नाम है जिन लिक्विन जिन लिक्विन जिन लिक्विन इसके हेड है एनडीबी का हेडक्वार्टर है आपका संघाई में संघाई में संघाई में इसका मेरे भाई, संघाई में इसका हेडक्वार्टर है और एक चीज याद रखना इसके जो हेड है नाम है केवी कामत केवी कामत आई होप सो यहां तक सारी चीजें आपके क्लियर होंगे ठीक है भाई गुड मॉर्निंग सस्त्रियल जय श्री याद यार फटाफट से शेयर करना भी स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी ठीक है जल्दी से से शेर शेर करना भी स्टार्ट कर दीजिए

ने अभी हाल ही में नेशनल सिलेक्शन पैनल का चेयरमैन किनको बनाया है आंसर बनता है ऑप्शन नंबर फिफ्थ सुनील सुनील जोशी सुनील जोशी को बनाया गया ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर यह कौन है मनु साहनी कौन है आईसीसी सीईओ ठीक है मदन लाल रुद्र प्रताप सिंह और सुलक्षणा नायक बीसीसीआई ने अभी जो हाल ही में सीएसी बनाया था भाई क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनाई थी उसमें बतौर मेंबर जिनको शामिल किया है बतौर मेंबर जिनको शामिल किया उसमें एक मदन लाल है दूसरे रुद्र प्रताप सिंह है तीसरी सुलक्षणा नायक है इन तीनों को अभी हाल ही में इन तीनों को अभी हाल ही में बीसीसीआई का सी का मेंबर चुना गया है और जो मनु साहनी है इनको आईसीसी का सीईओ बनाएगा आईसीसी आईसीसी का ICC का ठीक है हेडक्वार्टर दुबई में है और बतौर मेंबर दो देश शामिल हुए एक नेपाल और एक जिम्बाब नेपाल और एक जिम्बाबे बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है मुंबई महाराष्ट्र और यह अब नाडा के दायरे में आ गया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम है सुनील

ना गियो, ना गियो, ना गियो, या मनीला। यहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट तो होना है कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट तो होना है तो मुझे फटाफट से बता सकता है ऑप्शन नंबर फिफ्त मनीला कहां पर हुआ है ये मनीला में। इसे इंपॉर्टेंट बात करें कहां पर शिफ्ट किया गया ये मनीला में शिफ्ट किया गया है जरा बाकी के ऑप्शन देखना उसके अकॉर्डिंग कुछ दिखा देता हूं आपको 2022 के जो एशियन गेम्स होने वाले हैं वो आपके होंगे चाइना के हांगजोंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना कि 2022 के जो एशियन गेम्स रहेंगे 2022 के जो एशियन गेम्स रहेंगे वो कहां पर रहेंगे होंगजोंग चाइना में रहेंगे और मेरे भाई एक चीज याद रखना दो को जो एशियन गेम्स रहेंगे दो के एशियन गेम्स रहेंगे वो न गोया न गोया जापान में रहेंगे इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना मैं फिर कहूंगा अभी तक मैंने ये नहीं पढ़ाया था एशियन गेम्स वाला 2022 के कहां पर होना चाइना के हॉन्गजोंग में दो के एशियन गेम्स हो रहे हैं जापान के नगोया में नगोया में दो हजार बाईस का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना ये बर, बर्मिंगम बर्मिंगम इंग्लैंड के बर्गिंगम में होगा कहां पर इंग्लैंड के बर्मिंगम में बर्मिंगम में बर्मिंगम में ठीक है थोड़ा गड़बड़ होता पढ़ने में बर्गिंगम हो जाता कभी भी तो बर्मिंगम में बर्मिंगम ठीक है और दो हजार तेईस का जो रग्बी वर्ल्ड कप है दोस्त इसे फ्रांस होस्ट करेगा कौन सा देश करेगा फ्रांस होस्ट करेगा देखो ये, ये वाला जो इंटरेस्टिंग है ये जो नीचे लिखा हुआ है ना जो हॉकी वर्ल्ड कप है हॉकी वर्ल्ड कप है जैसे आईसीसी है वैसे ही एफ आई एच है ठीक है इंटरनेशनल इंटरनेशनल हॉकी 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 फेडरेशन फेडरेशन तो वर्ल्ड कप जो महिलाओं वाला है, दो हजार बाईस का ये स्पेन और नीदरलैंड मिलकर को होस्ट करेंगे और जो मेंस वाला है ना इसको भाई भारत होस्ट करेगा दो हजार तेईस में जो कि उड़ीसा में रहेगा कहां पर उड़ीसा में और उड़ीसा में भी ये कहां पर रहेगा एक भुवनेश्वर में रहेगा राउरकेला में रहेगा भुवनेश्वर में और राउर केला में ईयर एक और इंपॉर्टेंट 2023 का जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये इंडिया होस्ट होस्का है पचास पचास ओवर वाला पुरुषों का पचास, पचास पचास ओवर का भारत 2023 महिलाओं का पचास पचास ओवर वाला 2021 न्यूजीलैंड 2021 न्यूजीलैंड और जो 20 20 ओवर का मैच होता है टी वर्ल्ड कप है इसे ऑस्ट्रेलिया भाई महिलाओं वाला चल रहा पुरुषों वाला होगा जो महिलाओं वाला है उसमें भारत भाई फाइनल में पहुंच गया है इसके लिए आपको याद रखना है ठीक है इंडिया किसम पहुंच गया इंडिया फाइनल में पहुंच गया इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि भाई अब उससे रिलेटेड सारी चीजें हमें याद रखनी देखो कुछ ना हो रनर अप तो रहेगा ही ना इंडिया ठीक है आईसीसी का जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वो साउथ अफ्रीका में रहा था बांग्लादेश ने इसको जीता था और किसको हराया था इंडिया को हराकर बांग्लादेश ने इस इवेंट को जीता था नेक्स्ट यार चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में नाबार्ड द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है हाउ मच अमाउंट हैज बीन बाय नाबार्ड हाउ मच अमाउंट हैज बीन इन्फ्यूज बाय नाबार्ड इन द रूरल बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर बात हो रही है यहाँ पर दो हजार उन्नीस बीस की दो हजार उन्नीस बीस जो करंट वित्तीय वर्ष चल रहा है जो एक तरीके से फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें अभी तक कितना अमाउंट कितना अमाउंट अभी भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं यहां पर इन रूरल बैंकिंग सिस्टम बात की जा रही है नाबार्ड के द्वारा इन्फ्यूज किया गया लगाया गया तो आंसर बनता है यहां पर ऑप्शन नंबर वन वन पॉइंट फोर सिक्स लैख करोड़ रुपीज ऑप्शन देखो मेरे दोस्त ऑप्शन देखिए कुछ याद आएगा सर क्या याद आएगा सर बजट याद आएगा बजट दो हजार बीस इक्कीस में एग्रीकल्चर रूरल एग्रीकल्चर ठीक है रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर इरीगेशन एग्रीकल्चर इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट इसके लिए कुल अमाउंट कितना अलोकेट किया गया एग्रीकल्चर इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो कुल अमाउंट एलोकेट किया गया इट इज टू पॉइंट एट थ्री लैख करोड़ रुपीज टू पॉइंट एट थ्री लैख करोड़ रुपीज भाई इसे इंपॉर्टेंट बात कर लेना एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर इरीगेशन रूरल डेवलपमेंट के कुल अमाउंट किया गया टू पॉइंट एट थ्री इसमें भी एग्रीकल्चर इरिगेशन एग्रीकल्चर इरिगेशन और अलाइड एक्टिविटीज के लिए एग्रीकल्चर इरिगेशन और अलाइड एक्टिविटीज के लिए जो अमाउंट रहा है इट इज वन पॉइंट सिक्स जीरो लैख करोड़ रुपीज और यार दोस्त रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के लिए जो अमाउंट अलोकेट किया गया इट इज वन पॉइंट टू थ्री लैख करोड़ रुपीज वन पॉइंट टू थ्री लैख एक अमाउंट इंपॉर्टेंट है तीन क्वेश्चन और आपके एग्जाम के लिए यहां से बनते हैं ठीक है दोस्त आई होप सो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगे नेक्स्ट यार आगे बढ़ते हैं सैफ वर्मा किस खेल से संबंधित हैं सैफ वर्मा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर एक नाम आपको बताना है वूशू रिलेटेड अभी बहुत न्यूज में चल रहा है बहुत न्यूज में चल रहा है वूशू रिलेटेड मुझे बताइए ओके okay. बाकी जरा देखिएगा चेस रिलेटेड एक नाम है कोनेरू हम्पी कोनेरू हम्पी ठीक है रोइंग रिलेटेड है दत्तू भोकानल दत्तू भोकानल की बात करते हैं इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया तो अब वो प्रतिबंध यहां पर हटा लिया गया दत्तू भोकानल नाम याद रखना है ठीक है दोस्त ओके okay. दत्तू भोकानल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एंड के लिए 2.83 भाई 1.60 एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर अलर्ट एक्टिविटीज के लिए और इसके अलावा इसके अलावा जितना भी बचता है मेरे भाई वो सारा का सारा आपका पंचायती राज और इसके लिए रूरल डेवलपमेंट के लिए हो जाएगा ठीक है भाई वुशू रिलेटेड एक आते यहाँ पर तो क्रिकेट से संबंधित है ये तो क्लियर हो गया रोइंग से ये हो गया चेस से ही होगा साइकिलिंग से एसो एल्वेन होगा एसओ एल्वेन प्रवीण कुमार वुशू बहुत बढ़िया यार ये नाम और याद रखना है प्रवीण कुमार वुशू भाई जल्दी से फटाफट लाइक भी करते चलो यार दोस्त कोनेरू हम्पी आंध्र प्रदेश में बहुत बढ़िया अच्छा अभी एक और ग्रैंड मास्टर बने हैं एक और ग्रैंड मास्टर बने ज्यादा उनकी उम्र नहीं है उनका नाम क्या है यार उनका नाम क्या है मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा है उनका नाम ये है तो बता देना यस सर डी गुकेश डी गुकेश वह भी चेस से संबंधित है कि नहीं भाई दिशु भाई अरे दिशु भाई भाई अपना सुनता ही नहीं है चलो कोई नहीं नेक्स्ट अड़सठ भी अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 किस राज्य में शुरू हुई है सिक्सटी एट ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप ट्वेंटी बिगिन इन विच किस राज्य में ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक शुरू हुई है तो उस बनता है ऑप्शन नंबर थ्री हरियाणा में हुई है हरियाणा का एक और याद रखना है रीडिंग मिशन हरियाणा का है रीडिंग मिशन हरियाणा का है मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य सत्यदेव नारायण आर्य दमदमा लेक इसी राज्य में वाइल्ड लाइफ इस सेंचुरी इसी राज्य में है मार्कंडेश्वर टेम्पल इसी राज्य में है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसी राज्य में है इसके अलावा याद रखना है इसका एक शहर है गुरुग्राम गुरुग्राम और गुरुग्राम बेसिकली राव इंद्रजीत सिंह की कॉन्स्टिट्युएंसी राव इंद्रजीत सिंह की कॉन्स्टिट्युएंसी है राव इंद्रजीत सिंह जो मंत्रालय देख रहे हैं वो मोस्पी मंत्रालय देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम हरियाणा निर्वाचन क्षेत्र बनता है मंत्रालय देख रहे हैं मोस्पी की बात करते तो इसके अंतर्गत एक आता है एनएसओ एनएसओ नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस अब ये जो है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट करता है इसने कहा किस कि देश के साथ मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है विद विच कंट्री कैबिनेट अप्रूव दू फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ आंसर बनता है यहाँ पर आईवर कोस्ट कोटे आइवर टोगो की कैपिटल है लोम टोगो की कैपिटल क्या के मेरे भाई लोम करेंसी यहां पर चलती है ईको बैनिन की कैपिटल पोर्टो नोवो करेंसी यहां पर चलती है ईको

की डकार करेंसी यहां पर चलती है इको टोगो बेनिन कोटे नाइजर माली एक और कोई बताएगा मेरे को भाई एक और कोई बता दो फटाफट से ओके okay. फासो बुरके फासो बहुत बढ़िया उसकी कैपिटल है ओगा डुगू करेंसी यहां पर भी चलती है इको ये भी आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट यार मेरे भाई किस शहर में इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा इन विच सिटी इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर फिफ्थ ये रहेगा आपका गांधीनगर में कहाँ पर दोस्त गांधीनगर में गांधीनगर में इंडिया फार्मा इंडिया मेडिकल डिवाइस ट्वेंटी कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जाएगा आज मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ चल रही है यूट्यूब में व्यूज नहीं दिख रहे कितने बच्चे यहाँ पर लाइव चल रहे हैं बट कोई नहीं दोस्त सेशन पसंद आ रहे तो आप लाइव करते जाइए भाई लाइक करते रहिए अगर यहाँ पर दो हज़ार लाइक आ जाते तो मैं समझ जाऊँ कम से कम दो हज़ार तो बच्चे यहाँ पर लाइव मेरे साथ जुड़े हुए होंगे फटाफट से भाई इतने लाइक तो कर दो जल्दी से जल्दी से फटाफट से इतने लाइक कर दो इतने समझ में आ जाएगा भाई जल्दी जल्दी लाइक करो लाइक करिए दो तक पहुँचा देखो अगर दो होंगे तो समझ में आ जाएगा भाई दो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं और उससे कम लाइक चलेंगे तो उतनी लाइक उतने बच्चे देख रहे होंगे इतना काम नहीं करोगे भाई के लिए जल्दी से कर दो फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं डिटेल में ओके नेक्स्ट देखे मेरे भाई नेक्स्ट यार केंद्रीय मंत्री मंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों में चार बैंकों दस बैंकों के चार बैंकों में विलय के व्यापक एकीकरण को मंजूरी दी है विलय किस दिन से प्रभावी होगा यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड दी मेगा कंसोलिडेशन ऑफ टेन पब्लिक सेक्टर बैंक इनटू फोर पब्लिक सेक्टर बैंक द अमलगमेशन वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम विच डे एज आंसर बनता है ऑप्शन नंबर वन एक चार दो से एक चार दो हजार बीस से एक चार दो हजार बीस से मतलब एक अप्रैल दो हजार बीस से जो दस बैंक हैं उनका मर्जर करके चार बैंक कर दिया जाएगा अब सवाल उठता है कब से इफेक्टिव हो रहा है तो एक चार दो हजार बीस से ये दोस्त इफेक्टिव हो रहा है एक चार दो हजार बीस से इफेक्टिव चौदह सौ मतलब चौदह सौ बच्चे तो देख रहे हैं ठीक है किस शहर में भारतीय सेना की अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान सम्मेलन 2020 प्रारंभ हुई सिटी 2020, इंडियन सवाल उठता है, है सवाल उठता है मेरे ये कहां पर शुरू हुई जवाब बनता है यह शुरू हुई है दोस्त न्यू डेली में कहां पर शुरू हुई है न्यू डेहली में यह शुरू हुई है इंपॉर्टेंट माफ करना नेक्स्ट यार कौन सा शहर 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा विच सिटी विल होस्ट वन जीरो एट इंडियन साइंस कांग्रेस का आंसर बनता है पुणे पुणे इसकी मेजबानी करेगा ऑप्शन से नहीं खेल रहे क्योंकि वक्त थोड़ा कम है थोड़ा जल्दी जल्दी चल चलते ठीक है जहां लगेगा मुझे वहां पर मैं ऑप्शन बताता चलूंगा वन साइंस कांग्रेस कहां पर रहेगी तो आंसर बनता है पुणे में रहेगी किस दिन को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है विच इज ऑब्जर्व एज नेशनल सेफ्टी डे भाई देखो एक फरवरी को आता है इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे दो फरवरी को आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे वर्ल्ड वेटलैंड डे एक मार्च को आता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे तीन मार्च को आता है वर्ल्ड हियरिंग डे वर्ल्ड हियरिंग डे आता है एक डे और आता है यार एक डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और चार मार्च को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं नेशनल सेफ्टी डे नेशनल सेफ्टी डे हम लोगों का चार मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है ठीक है नेक्स्ट यार भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 का महासचिव किसे चुना गया है हैज़ बीन इलेक्टेड जनरल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस 2021 ट्वेंटी वन आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थ्री विजय लक्ष्मी सक्सेना विजय लक्ष्मी सक्सेना को अभी हाल ही में इंडियन साइंस कांग्रेस दो हजार होने वाली उसका जनरल प्रेसिडेंट चुना गया है नेक्स्ट यार किस शहर में स्ट्रीट थिएटर फेस्टिवल मंथन का तेरहवा संस्करण शुरू किया गया है इन विच सिटी थर्टींथ एडिशन ऑफ स्ट्रीट थिएटर फेस्टिवल मंथन हैज बीन स्टार्टेड आंसर बनता है ऑप्शन नंबर टू न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में से शुरू किया गया एकम फेस्ट भी कहां पर शुरू हुआ न्यू दिल्ली में ही शुरू हुआ है

कर दो यार भाई प्लीज लाइक कर दो नेक्स्ट यार विश्व श्रवण दिवस का विषय क्या है वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम क्या है अब जरा देखो यहां पर मजा आ जाएगा यार जरा देखना की थीम है ये I am and I will. और ये और कब किया था Fourth of को Fourth, को ये करते हैं हम लोग ये सभी के क्लियर होगा फोर्थ फेव को हम ऑब्जर्व करते हैं रेडियो इन डाइवर्सिटी सर ये वर्ल्ड रेडियो डे की थीम है वर्ल्ड रेडियो डे की थीम है

वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ठीक है यही तैयार डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या बनती यहां पर सस्टेनिंग और लाइफ फॉर अर्थ क्लियर है यहां तक सारी चीजें दोस्त ओके okay. आगे दोस्त नेक्स्ट देखें चलिए आगे बढ़ते हैं अपना आंसर बनते हैं ऑप्शन नंबर फॉर हियरिंग फॉर हियरिंग फॉर लाइफ स्कीम रही नेक्स्ट ईयर 19वीं विश्व उत्पादकता कांग्रेस

टेंथ ऑफ फेब से लेकर फोर्टीन फेब तक अभी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया और ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनाया था इसकी थीम थी एम एस एम ई तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है यार तीनों अपने आप अप एग्जाम का सवाल है क्लोजिंग इनक्वलिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस ये भाई इंटरनेशनल डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है उसकी थीम रही जो कि इक्कीस फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है जहां तक मुझे याद है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम लोगों ने कब देखा था मदर लैंग्वेज डे यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ मदर लैंग्वेज से बीस को आता है इक्कीस को आता है एक बार जरा देख लें मदर लैंग्वेज इक्कीस को आता है सोशल जस्टिस डे बीस को आता है सोशल जस्टिस डे बीस को आता है एक बार ये देख लेते हैं यार तो तुम लोग मुझे ही घर आने लग जाओगे सर गलत गलत बता देते हो एक सेकंड यार कंफर्म कर लूँ शीट में ओके okay, भाई खुल जाए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बाकी ओके okay. बीस फरवरी को आता है दोस्त अपना वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस बीस फरवरी को आता है और वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की थीम रही थी क्लोजिंग द इनक्विटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस क्लोजिंग द इक्विटी गैप टू अचीव द सोशल जस्टिस अपना आंसर बनता है इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो इट इज अ थीम ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस ट्वेंटी ट्वेंटी जिसका उन्नीसवा संस्करण बेंगलुरु में शुरू किया गया कहां पर दोस्त बेंगलुरु में शुरू किया गया है नेक्स्ट यार भारत सरकार ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील घोषित किया है यह किस राज्य में है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल चंबल सेंचुरी एज एन इको सेंसिटिव जोन इट इज इन स्टेट इट इज इन मध्य प्रदेश अब आपके लिए एक होमवर्क छोड़कर जा रहा हूं बहुत सिंपल सा है दोस्त होमवर्क वो ये है जितने ये मैंने पांच स्टेट दिए हैं इन पांचों ही स्टेट के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास होने चाहिए इन पांचों ही स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये आप लोगों के पास होने चाहिए ठीक है कल मैं आऊंगा तब मैं आपको इनके पांचों के बता दूंगा इनके अलावा और भी बता दूंगा बट आपके पास खुद के पास होना चाहिए अगर कमेंट बॉक्स में आंसर आएगा ना वीडियो कंप्लीट होने के बाद तभी मैं बताऊँ जैसे कि प्रदेश में बांधवगढ़ काना माधव पन्ना पेंच फॉसिल सतपुड़ा वन बिहार कूनो है ये सारे नेशनल पार्क हैं असम में पॉबीतोरा बूरा चपोली चक्रशिला लाओ खोबा गर्म पानी ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इस तरीके से और भी स्टेट में है आप ढूंढिएगा मुझे आंसर करिएगा ठीक है ढूंढिएगा मुझे आंसर करिएगा बट आंसर जरूर करना दोस्त आंसर जरूर करना नेक्स्ट यार किस शहर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है आंसर बनता है ऑप्शन नंबर टू ऋषिकेश में कहां पर दोस्त ऋषिकेश में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य बेबी रानी मौर्य ठीक है ये नाम याद रखना इसके अलावा उत्तराखंड भवन का इनोग्रेशन पर हुआ नवी मुंबई में उत्तराखंड भवन पर बना है ये नवी मुंबई में बना है एक गुजरात में बना था मुंबई है नेक्स्ट यार बांग्लादेश के सबसे प्रमुख बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द बांग्लादेश मोस्ट बांग्लादेश मोस्ट प्रोमिनेट बुद्धिस्ट मॉन्क अवे रिसेंटली बांग्लादेश के भैया मोस्ट प्रोमिनेट जो मॉन्क है हैं, उनका, है, उनका नाम क्या फटाफट से उनका नाम क्या है दोस्त कमल बहादुर सिंह ये मैं मेंबर ऑफ दी फर्स्ट लोकसभा देश की फर्स्ट लोकसभा उसके मेंबर थे टी एन चतुर्वेदी की बात करते तो ही वॉज दी फर्स्ट गवर्नर, ही वॉज दी गवर्नर ही वॉज दी फॉर्मर गवर्नर ऑफ कर्नाटका

नंद महातीरो इज अंग्लादेश मोस्ट प्रोमिनेट बुद्धिस्ट मॉन्कू एज पास डी रिसेंटली आई होप क्लियर होगा। कल के एमसीक्यू परसों के एमसीक्यू दोनों कवर हो गए ठीक है अब बढ़ते हैं दोस्त यहाँ पर ये यह पूरी की पूरी लिस्ट है डेस्ट की फरवरी की आप लोग देख लीजिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज जिन बच्चों को मेरा एस का मेंस का बैच ले रहा है अक्टूबर में मंथ कंप्लीट पूरा कर चुका हूं अक्टूबर का डिटेल में डिस्कशन प्लस उसके एमसीक्यूज इंग्लिश में भी हैं हिंदी में भी हैं ये पूरा एक बेस्ड प्रोजेक्शन किया गया 40 घंटे का ये पूरा बैच है मेरे भाई इस बैच को ले सकते हैं कोड यूज करना वाई किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करना इस कोड को यूज फाइव परसेंट डिस्काउंट मिलेगा इवन आरबी असिस्टेंट मेन्स का अगर आपको मेरा बैच लेना है तो भाई बारह घंटे की इसमें क्लास रहेंगी बारह क्लासेस रहेंगी एक घंटे की इस बैच को भी आप लोग ले सकते हैं आप पढ़ लीजिए खुद से अगर चाहते हैं रिवीजन के लिए भी तो इस बैच को ले सकते हैं अगर

अगर वक्त ना अगर खुद से अगर कुछ चीज़ें करनी पड़े तो बहुत वक्त तक तो हम जाकर भाई पानी पीने के लिए भी सोचता रहे क्या भाई करें या ना करें करें क्या ना करें बट किसी भी चीज़ अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से लिंक हो जाती है तो वो काम होना आसान हो जाता है ऐसे यहाँ पर यह कि जैसे कि अगर वहाँ पर जो जम्मू है कश्मीर जम्मू कश्मीर है वहां पर स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई है स्पेशली ये कहां पर लॉन्च की गई जम्मू में लॉन्च की गई किनके द्वारा लॉन्च की, की गई जीसी मुर्मू साहब के द्वारा कितने क्वेश्चन बनेंगे सबसे पहले तो यही बनेगा स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम किस स्टेट किसी यू टी की है तो जम्मू एंड कश्मीर की है पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है दोस्तों तो याद रखना है उनके वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है जीसी मुर्मू जीसी मुर्मू वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है ठीक है यहां तक क्लियर है आगे बढ़े दोस्त नेक्स्ट देखें आर के माथुर लद्दाख के यार आर के माथुर लद्दाख के हैं ठीक है नेक्स्ट यार आगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन लोअर इंटरेस्ट रेट टू 8.5 पॉइंट फाइव परसेंट और ट्वेंटी नाइनटी ट्वेंटी अब जो भाई आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ईपीएफओ बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सैलरीड एम्प्लॉय आर सेट टू गेट पॉइंट वन फाइव परसेंट लेस एन इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट जो भी लोग प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करते हैं डिपॉजिट करते हैं उनके लिए जो भी सैलरी है भाई हम जैसे लोगों की बात की जा रही है जो लोग प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करते हैं स्पेशली बोला फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी नाइनटीन 20 ट्वेंटी जो डिपॉजिट कर रहे थे उस पर एट पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8.65 परसेंट इसको रिड्यूस करके 8.50 पॉइंट कर दिया गया आज के द हिंदू की न्यूज है 8.50 परसेंट कर दिया गया है जो इंटरेस्ट रेट है इसे रिड्यूस कर दिया 8.65 परसेंट से 8.5 परसेंट पर इसको ले आए हैं आई होप सो ये वाली पॉइंट आपके क्लियर होगा यहाँ पर एक नाम निकल कर आता है वो है संतोष कुमार गंगवार संतोष कुमार गंगवार संतोष कुमार गंगवार देखो नाम लिखा है एट द मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इनका नाम है और याद रखना है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या बरेली उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है उत्तर प्रदेश के बरेली से ही लोकसभा सांसद इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा तो क्लियर रखना दर और लिंक कराइए मतलब क्या मेरे भाई दर मतलब कौन सी ये रेपो रेपो रेट रेट बैंक रिवर्स इसकी बात कर रहे हैं है? है दिया, गया. से कम करके कर दिया है. संतोष कुमार गंगवार लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं प्लस बरेली उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है दरों की बात हुई तो दर फटाफट से लिख लीजिए रेपो रेट

रेपो रेट से रेपो रेट से बैंक रेट कितनी ज्यादा होती है, कर ये रहती है। तो फाइव पॉइंट में आपने कर रेट से रिवर्स रेपो रेट कितनी कम होती है तो आप यहां पर माइनस कर दीजिए टेक्निकल टीम एक बार प्लीज लोग हटाएगा ठीक है पॉइंट टू फाइव परसेंट बना रह दीजिए कोई दिक्कत नहीं पॉइंट टू फाइव परसेंट यह कम रहती है मेरे भाई और यहां पर कितनी बन जाती है क्लियर है एक और चीज याद रख सकते हैं देखो आरबीआई के जो अभी डिप्टी गवर्नर बने उनका नाम क्या है माइकल डी पत्रा माइकल माइकल डी डी पत्रा पत्रा और एक और चीज याद रखनी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल मिलाकर कितने मेंबर होते हैं कुल मिलाकर मेरे भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में छह मेंबर होते हैं तीन आते हैं आरबीआई से और तीन आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तीन आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनका नाम है पामी दुआ चेतन घाटे रविंद्र एच ढोलकिया

कहा है कि छह महीने का टेनर बाकी है और उस महीने के मतलब छह महीने के पहले कह दिया है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मैं भाई स्टेप डाउन करना चाहता हूँ स्टेप डाउन करना चाहता हूँ इनका नाम है एन एस विश्वनाथन तो भाई आप देखते हैं ये डिसाइड किया है कि फाइनली इनका कन्फर्मेशन है

इंटरेस्ट रेट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट टू 8.5 परसेंट फॉर 2019 भाई ऑर्डर चेंज हो गया थोड़ा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर को 2019-20 के लिए 8.5 परसेंट तक 8.5 प्रतिशत तक घटा दिया है ये था कि इतना 8.65 तो 8.5 परसेंट पर से ले आए हैं नेक्स्ट यार यार ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है

दूसरा यस yes बैंक से अगर कोई भी कस्टमर जो भी यस बैंक कस्टमर है डिपोजिटर्स हैं अगर वो कुछ भी डिपोजिट करना चाहते तो उस पर भी एक लिमिटेशन लगा दी इस इस अमाउंट इस से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते वो कैप एग्जाम के लिए 50, 000, 50, 000. 50, 000, है? <coughs> देखो यस बैंक अंडर यस बैंक अंडर दॉरिटोरियम टिल अप्रैल थ्री

भाई पीडीएफ जो मिलती है आपको कमेंट बॉक्स में पिन करा दी जाती है विजय भाई कमेंट बॉक्स में पीडीएफ आ जाएगी विद इन हाफ एन आवर आपको ओल्ड फॉर्मेट मिल जाएगा हाफ एन आवर नहीं तो साढ़े आठ बजे एक नौ बजे तक ओल्ड फॉर्मेट और बारह बजे तक आपको ओल्ड फॉर्मेट मतलब न्यू फॉर्मेट मिल जाएगा दो फॉर्मेट है ओल्ड मतलब जैसे मैं पढ़ाता हूँ पूरी स्लाइड आ जाएंगी न्यू फॉर्मेट मतलब ये होता है कि सी को कंपाइल करके तीन से चार पेजेस में दे दिया जाता है जो कि आपको प्रिंट निकालने में दिक्कत नहीं रहती नेक्स्ट यार दो इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई इंटरनेशनल वुमेंस डे मुझे कोई बताएगा कब आएगा इसी इसी दिन इसी दिन महिला दिवस वाले दिन यहां पर दो महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा नारी शक्ति पुरस्कार से किस नारी शक्ति पुरस्कार से टू वुमेन की महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से भाई राज पर कर आया था भागीरथी अम्मा भागीरथी अम्मा ऑफ कोलम कोलम की भागीरथी अम्मा को और एक नाम और यहां पर निकल कर आता है कर्थ्यानी, कर्थ्यानी तो भाई यहां पर देखो दो नाम निकल कर आए केरल की दो महिलाएं हैं एक तो कोलम की एक वर्षीय भागीरथी अम्मा है और एक और नाम यहाँ पर निकल कर आता है कार्ति यानी अम्मा इन दोनों को नारी शक्ति नारी शक्ति पुरस्कार के लिए चुना गया नारी शक्ति पुरस्कार के लिए चुना गया ये कहाँ से केरल से है केरल की दो स्कीम और याद रखना विजय रतन और सहचरी विजय रतन और सहचरी दो केरल की केरल की योजना है आठ मार्च आठ मार्च बहुत बढ़िया अच्छा कोई बता सकता है कि भाई इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम क्या है फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जितने भी बच्चे देख रहे फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेंस डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है मार्च के भी कभी अभी तक मार्च के हम कौन कौन से डे पढ़ चुके हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एक मार्च को ठीक है नेशनल सेफ्टी डे तो ये चार मार्च को रहा था तीन मार्च को हम लोगों लोग वर्ल्ड हियरिंग डे रहा था वर्ल्ड हियरिंग डे के अलावा एक और था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी आपका तीन मार्च को रहा था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च को रहेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है मुझे भी नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूं मैं दोस्त मैं भी खुद अभी देख रहा हूँ कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है तो आप भी जैसा हूं मैं भी फटाफट से कोई भी बता दे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम क्या है ओके आई एम जनरेशन इक्विलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट लिख लेना आई एम जनरेशन इक्वलिटी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट इसकी इसकी ये थीम रहती है ठीक है एग्जाम का सवाल यहाँ से भी बनेगा एक एग्जाम का सवाल यहाँ से भी देखने को मिलेगा दोबारा बोल देता हूँ भाई लिख लेना आई एम जनरेशन अभी तक मुझे भी याद नहीं था अब याद करना ये भी आई एम जनरेशन इक्वलिटी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट ठीक है नॉर्मल है आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट नेक्स्ट यार अच्छा यार, एक नाम नाम मैं बताता हूं, आपको कोफी अन्नान कोफी अन्नान का नाम सुना यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रहे थे और उनका जब निधन हुआ था तो पूछा गया था कि वो किस देश से है पूर्व महासचिव का नाम क्या है संयुक्त राष्ट्र जिनका हाल ही में निधन हो गया ये सवाल नहीं था यहां तक था

फटाफट से घाना बहुत बड़े भाई कोफी थे से, कोफी थे से, कोफी है, वो कर लेंगे सेवन कौन से मंथ भाई अक्टूबर से लास्ट अक्टूबर से करंट अफेयर पढ़िएगा अगर किसी को लास्ट सिक्स मंथ का कवर करना है, जिनका एग्जाम अप्रैल में है ओके भाई फटाफट से आंसर कर दो यारा भाई ये देखो एक जो एंटोनियो गुटरा से पुर्तगाल से कोफी अन्नान जिनका पहला निधन हुआ तो वो घाना से थे अब ये भाई जो मर जिनका निधन हुआ जैवियर ये कहां से है ओके पेरिस से अरे यारा ओके स्पेन से है रे बाप बाप रे बाप क्या कर रहे हो दोस्त मतलब गूगल करने में इतनी देर लग रही है बहुत बढ़िया आंसर बनता है वो पेरू से पेरू से पेरू पेरू की कैपिटल क्या है सर लीमा है और करेंसी यहां पर सोल चलती है सोल यहां पर मुद्रा चलती है नेक्स्ट यार यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी रिलीज अ बुक टाइटल क्रोनो क्रोनिकल्स क्रोनिकल्स ऑफ अ चेंज चैंपियन इन न्यू दिल्ली केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुविन ईरानी ने नई दिल्ली में क्रोनो

एवं बाल विकास मंत्रालय प्लस टेक्सटाइल मिनिस्ट्री देख रही है और एक और चीज और याद रखनी है है मेरे दोस्त बनता है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी उत्तर प्रदेश अमेठी उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है नेक्स्ट यार गैरसेन विल बी उत्तराखंड समर कैपिटल यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है गैरसेन उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी अब उत्तराखंड की एक और नई राजधानी बनती है और यहां पर जो इनकी समर कैपिटल बनती कर लेना। त्रिवेंद्र रावत भाई मंत्री है और यहां के गवर्नर बेबी रानी मौर, बेबी रानी मौर्य की गवर्नर है, है। नेक्स्ट देखो वेस्ट बंगाल में ना कुछ भी होता है जैसे कि रोसुगोला इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन रहता है कविता कोविता तो वही इसका नाम है कविता उत्सव या कविता उत्सव ठीक है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग कविता उत्सव इन कोलकाता या पोएट्री फेस्टिवल पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता में कविता उत्सव का आयोजन कर रही है तो कौन सी राज्य सरकार कविता उत्सव का आयोजन कर रही है वेस्ट बंगाल है कहाँ पर कर रही है ये कोलकाता में कर रही है वेस्ट बंगाल की ममता बैनर्जी मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के यार गवर्नर का नाम है जगदीप धनकर जगदीप धनकर यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनकर यहाँ के गवर्नर हैं ठीक है भानु प्रकाश सर आई एम फ्रॉम उत्तराखंड अरे वाह बहुत बढ़िया भाई Okay. ओ, मेरी <laughs> मेरे को तो सिर्फ इतना पता इस में, आमो तुमो तुम्हारे भालूवासी कोई माफ करना अगर गलत बोल रहा हूं मैं ठीक है मेरी टांग पकड़ लो बाहर जाकर सर कैसे बोल दिया मतलब ऐसे कैसे, कैसे बोल दिया

अप्रूवल देना बाकी है बट फिर भी मोस्ट प्रॉब्ली तो यही बनेंगे जो संजय कुमार संजय कोठारी संजय कोठारी बने चीफ विजिलेंस कमिश्नर ठीक है संजय कोठारी चीफ विजिलेंस कमिश्नर है और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नाम है विमल जुलका विमल जुलका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ठीक है नेक्स्ट यार मुंबई विल होस्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज सेशन इन 2023 मुंबई 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा बेसिकली कह सकते हैं कि ओलंपिक भारत का एक वो है कि भाई ओलंपिक होस्ट करना अब उससे पहले एक ओलंपिक होस्ट करने से पहले एक अलग और इवेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी उसमें कह सकते हैं कि शुरुआत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन रहेगा दो हजार तेईस का इसको मुंबई होस्ट करेगा और जो वन थर्टी सेशन रहेगा आईओसी का आईओसी सेशन ये कहां पर होगा ये टोक्यो में रहेगा टोक्यो में रहेगा इसको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट यार जन औषधि वीक इज बींग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम फर्स्ट मार्च टू सेवेंथ मार्च देश भर में एक मार्च से सात मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है इंपॉर्टेंट ये कब से कब तक एक मार्च से लेकर सात मार्च तक मनाया जा रहा है आज का जो स्टेट है दोस्त वो है प्रदेश भाई टेक्निकल टीम सुन पा रहे मेरे को रिशु भाई स्क्रीन को फुल कर दो देखो मध्य प्रदेश की बात होती है टिकट हटा देना मध्य प्रदेश की बात होती है एक नवंबर उन्नीस को फाउंड हुआ था भोपाल कैपिटल है कमलनाथ मुख्यमंत्री है लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर है फिफ्टी टू डिस्ट्रिक्ट हैं इंदौर लार्जेस्ट सिटी है इंदौर है जो कि आईफा अवार्ड को इंदौर और भोपाल दोनों मिलकर इंदौर और भोपाल मिलकर को होस्ट करेंगे आईफा अवार्ड को हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है लेजिस्लेचर मतलब यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा जिसकी सीटें कितनी है टू थर्टी है लोकसभा की सीट उन्तीस नहीं राज्यसभा की सीट ग्यारह है इट इज कॉल्ड दी हार्ट ऑफ इंडिया इसको भारत का मेरे भाई हार्ट कहा जाता है क्योंकि मैप में अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल ये सेंटर में बिल्कुल सेंटर में है राज्यसभा की सीट यहाँ ग्यारह है सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया कोई बता सकता है लार्जेस्ट स्टेट भारत का कौन सा इन टर्म्स ऑफ एरिया ठीक है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र गुजरात ये भी मैप से देख लेते हैं देखो किन किन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ये राजस्थान रहा क्लॉकवाइज चल लेते हैं राजस्थान रहा उत्तर प्रदेश दूसरा तीसरा छत्तीसगढ़ चौथा महाराष्ट्र और ये पांचवा है मेरे भाई गुजरात लैंडलॉक स्टेट है और ये पांच राज्यों से घिरा हुआ है राजस्थान उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और गुजरात इन पांच राज्यों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है अब नेशनल पार्क देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से बांधवगढ़ बांधवगढ़ का माधव पन्ना पैच फॉसिल सतपुड़ा वन बन बनबियार कुनो जैसे मैंने याद नहीं किया बांधवगढ़ का माधव पन्ना पैच फॉसिल सतपुड़ा वन वनबिहार कुनो इसी तरीके से आपको भी याद करना है बांधवगढ़ काना माधव पन्ना हो सकता है एक दिन दो दिन तीन दिन चार पांच छह सात दिन लग जाए बट एक बार याद कर लगे फिर बार बार नहीं याद करना पड़ेगा बांधवगढ़ काना जैसे अंसी बंदीपुर बनरघटा कुद्रेमुख नागर होलिये कहाँ पर है आंसर देगा कोई मेरे को अंसी बंदीपुर बनरघट्ट कुरेमुख नागर होलिये कहाँ पर है

होली भी मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ आपके लिए एडवांस में कुछ सेशन ऐसे रहें जो कि हम लोग करंट अफेयर ना डिस्कस कर पाए हो वो वहाँ पर रहे वो स्पेशल रहेंगे वो छोटे छोटे सेशन रहेंगे बट उनको भी आपको मिस नहीं करना है वो भी आपके एग्जाम का पार्ट बनेंगे ठीक है दोस्तों इसी तरीके से जुड़े रहेगा सेशन को प्लीज़ लाइक जरूर करेगा जाते जाते गुड बाय ठीक है ऑल द बेस्ट